व्यूअर्स, आज मैं परचेस करने वाला हूँ LOT यानी कि लाडा संवारे एक चोमू सी कार। हाँ, खेल गए ना यहीं पे, तुम्हें यही लगता है ना कि ये कार बहुत चोमू है, बहुत बेकार है, बट ऐसा नहीं है भाई, ये कार बहुत अच्छी कार है। आई मैं बताता हूँ क्यों। तो देखो, ये जो कार है ना, ये बनी थी सोवियत यूनियन में, वो भी 90s के समय, मतलब सोवियत यूनियन में बनाया तो 90s के समय ही बन सकता है ऑब्वियसली। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पैदा होता है, एक तो है कि सोवियत यूनियन है क्या, दूसरा अगर ये कार 90s में बनी है तो ये सोवियत यूनियन में ही क्यों बनी है, या फिर अगर ये सोवियत यूनियन में बनी है तो ये 90s में ही क्यों बनी है। तो देखो, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा, बट रशिया का तो आप लोग पहचानते होंगे, तो सोवियत यूनियन जो है USSR, वो रशिया का ही बड़ा फॉर्म था। आप लोग गूगल पे सर्च करना USSR मैप या फिर सोवियत यूनियन मैप, तो वो आ जाएगा। आप लोग वहाँ पर मैप वगैरह देख के समझ सकते हो कि असल में सोवियत यूनियन कितना बड़ा था एंड ह्यूज था। और ये जो सोवियत यूनियन है, ये 1991 में टूट के 15 अलग अलग कंट्री में भाग हो गया, एंड इसी वजह से अगर ये कार सोवियत यूनियन में बनी हुई है तो वो 90s में ही पॉसिबल है, वो भी 1991 के पहले, बिकॉज रीजन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अभी चलो आओ, इस कार को लेके चलते ट्यूनिंग शॉप पे, बहुत कुछ करना है। वैसे अगर सच बताओ ना, इस कार को थोड़ा थोड़ा सा ऑल्टो की तरह लगता है कि नहीं, मुझे आप लोग कॉमेंट में बताओ। ऑल्टो 800 की तरह ही लगता है स्टॉक में पूरा। अभी तो बॉडी किट डालूंगा, चेंज हो जाएगा। ओवर ये सेकंड वाला बॉडी किट तो कुछ ज्यादा ही अच्छा, बट वेट, सेकंड वाले पे एक रेटिंग माइनस हो रहा था, ये कैसा बॉडी किट है बे। एंड ये थर्ड वाले पे 2 रेटिंग प्लस, ऐसा बॉडी किट तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ, लेटेस्ट न्यूज है ये तो। बॉडी का काम सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अभी जरा सा कार को चला के देखते हैं, क्योंकि इस बॉडी किट को डालने से 2 रेटिंग प्लस हुआ है, तो क्या पता 2 रेटिंग से हमें कुछ डिफरेंस मिल जाए, हमारी कार बुगाटी बन जाए। चला के देखते हैं, फिर समझ आएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस कार के साउंड में नोटिस किया तो वो सुनना, बहुत अच्छी साउंड है, मतलब अलग सा साउंड है। एंड ये मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, सच में ही एक अलग सी साउंड है, एंड ऐसे साउंड में पहली बार सुना हुआ, तो अलग सा, एक पुराने गाड़ियों का होता है ना वैसा साउंड है पूरा, एकदम रशियन वाइब आ रही है। रशिया क्या है ना, यू ऐसे ही बोल रहा भाई, बट एक दिन जरूर जाऊंगा, इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। और ये मैं मजाक में नहीं कर रहा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं 2K भी कंप्लीट करना है, रिप मारने की कोशिश, ऐसा होता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है यार, फिसलती रहती है कार अपनी। बट देखो यार, बॉडी की डालाना सिर्फ, जब ट्यून कर दो फिर सोचो कितना पावरफुल बनेगी ये कार, इधर से कूदाएंगे भाई, क्योंकि रशियन कार है ना, पावर तो भर भर की होगी शायद, मे भी कितने तक जाएगी, इधर ऊपर से चल सकती है क्या, कल ले भाई ये लुट्टी लाडा संवारे कर दे, छोटे छोटे टायर है इसलिए शायद नहीं कर पा रही, बट वेट, ऊपर से चलते इस बार हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा, इधर से चल सकती है क्या, जल्दी कर ले, चल भाई, ऐसे नहीं हो सकता, पुतिन बहुत मारेगा, ऊपर 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 से आते, ठीक है इस बार जरूर कर दूंगा, ऊपर से फिर से वही से आऊंगा एंड इधर रख के आराम से जाएंगे, पूरा मर्डरर वाला फील ले लेंगे आज। वैसे ये मर्डरर रशियन थीप पे है ना गेम, हाँ भाई मैंने खेला है, हाँ यार अच्छी चीज़ याद आई, पता ना तो मर्डरर खेला चाहिए या फिर नहीं भाई, वो गेम भी काफ़ी मस्त है, सारे वहाँ पे तुमको रशियन ट्रक मिलेंगे, वो भी आर्मी के ट्रक्स, लाइक तुम्हें कामाज मिल जाएगी, उरल मिल जाएगी, उरल भी बहुत पॉपुलर ट्रक्स है, मतलब रशियन ट्रक्स ये बहुत पावरफुल है भाई, उनका लुक देखना, उनका बॉडी स्टाइल देखना, मतलब अलग ही भाई, पूरा बॉडी स्टाइल ही चेंज है एकदम करक। बट अभी फिलहाल वापस कार एक स्ट्रीट में आते हैं, यहाँ पे LOT कुछ कमाल तो नहीं कर पा रही, इसलिए हम इसको ट्यूनिंग शॉप पे लेके जा रहे हैं। इसी को डाल दो क्या, गोल्ड वाला, वो भी 31 गोल्ड का है, बहुत सस्ता है, नहीं यार रेसिंग वाला डालते हैं, गोल्ड मुझे चाहिए अपनी BMW M90 के लिए, उसको भी मैक करना है, ये भी डाल दे क्या, वो है यार मैं इंजन शायद चेंज कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से इंजन पे चलते हैं, यहाँ पे ये वाला बेकार, ये वाला बेकार, ये पता 2.6 लीटर का, ये नहीं चाहिए, हाँ ये डाल सकते हैं V6, बट ये प्राइस टू क्यों आता है समझ नहीं आता, कुछ कार सब प्राइस टू आता है, कुछ में नहीं आता, V8 तो देखो डालने का औकात नहीं है, 360 गोल्ड बहुत महंगा है, इससे अच्छा मैं BMW पे टर्बो ही डाल दूँ, दो आ जाएंगे वो भी टर्बो, यही डालते हैं V6 वाला, अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि V6 मतलब, अबे भाई गलती कर दिया रे, फिर से ये सब डालना होगा, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था इंजन स्वैप, वेट मैंने इंजन चेंज किया ना, इसका मतलब तो साउंड ही चेंज हो चुका है, प्लीज यार होप करते साउंड ना चेंज हो, एंड पूरा साउंड चेंज हो गया, ये भी ठीक है बट वो वाला अलग ही फील था भाई, तो सुनना अच्छा साउंड था, लेकिन क्या करे अभी इंजन में चेंज करना जरूरी था वैसे, नहीं तो पावर ही नहीं मिलते ना इस कार को, चलो यार क्या कर सकते हैं, अभी इंजन चेंज कर ले तो कर लिया, फिर तो अभी चेंज नहीं कर सकता, बहुत पैसे मेरे बर्बाद हो चुके ऑलरेडी, और ये जो 1.20 मिलियन है ना, ये भी फूक जाएंगे मेरे हिसाब से। ओके फिलहाल मेरे पास जितने भी कॉइन है सब मैं इसके ऊपर दान करके मैं आप लोगों से बाहर मिलता हूँ। फाइनली अपने LOT लाडा संवारे का ट्यून कम्प्लीट हो चुका है, एंड इसका लग जाएगा तुम कितना गंदा लग रहा है भाई, इतना यूज किया मैंने एकदम, फील मॉन्स्टर ट्रक वाली यार ये,
मैंने बहुत दिन पहले कहा था कार स्ट्रीट वालों को कि तुम ये ना ऑफरोडिंग वाले ट्यून भी डाल दो, बट इन लोगों ने डाला नहीं, लेकिन मैंने कर दिया भाई। तो अरे इधर नहीं जाना भाई, इधर आना है, इधर आ जा। तुमने इसका लुक देखो भाई, कितना खतरनाक लग रहा है। नहीं तुम मुझे बताओ ठीक है, खतरनाक लग रहा है या फिर नहीं? गलती होती रहती है, चलो कोई बात नहीं, इधर तो जाएंगे यार, रोड से नहीं जाएंगे भाई, अपने ऑफ रोड कार है, पूरा कुदा कुदा के जाएंगे, हर जगह से ले जाएंगे। अरे यार ये बच्चों वाले हरकत क्यों कर रहे हैं, सीधा हो जा। अगर ये कार है स्ट्रीट वाले, ऑफ रोडिंग वाला ट्यून एंड ऑफ रोडिंग वाला मैप सब कुछ मैकेनिज्म डाल देना तो मजा आ जाए भाई। हमारे पास कितने सारे कार थे, तो एक बार सोचो, मतलब मजा सा आ जाएगा। सामने यहाँ से भी कुदाएंगे, चलो चलो चलो, अपनी एलओटी कर सकती है। कुछ ज्यादा ही दूर आ गया ना, गलत आ गया वैसे, बट बहुत दूर गए ये कार। हाँ तो मैं कहाँ पता, उस ऑफ रोडिंग वाले पे। तो तुम सोचो यार, तुम लैम्बोर्गिनी से ऑफ रोडिंग कर रहे हो गेम के अंदर, कितना मजा आएगा कोई तो 4WD के साथ। 4WD मतलब फोर व्हील ड्राइव के साथ, 4x4 गेम के अंदर ऑल व्हील ड्राइव है, 4x4 थोड़ा सा अलग होता है। वैसे ये का था यार, नहीं देखा तुमने गेम प्ले पे, ब्रेक मारने पे डैश क्यों कर रही है कार? वेट मैं फिर से करने वाला हूँ, 200 के ऊपर शायद होने वाला है, नॉर्मल स्पीड में मे भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो रहा, पहले कैसे हो गया, ग्लिच था क्या? नहीं यार वो ग्लिच तो नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है। फिर से स्पीड लेते, इस बार फिर से ट्राई करूंगा। आई थिंक ब्रेक मारने के साथ ही साथ हमें इस कार को थोड़ा सा टर्न भी करना होगा, आई मीन टर्न लेना होगा हल्का सा इधर इधर, फिर शायद ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ सही पकड़ा मैंने। ब्रेक मारने के बाद हल्का सा टर्न कर लो, एक बार इधर है एक बार इधर, बस आपकी कार डांस करने लग जाएगी भाई, मजा आ गया। ये वाला फीचर तो मस्त है। वैसे क्या हो अगर ऐसे ही काफी सारे हिडन फीचर्स गेम के अंदर और भी हो, मजा सा आ जाए भाई। हम रैंडमली ऐसे ही फाइंड करते जाएंगे, मजा आ जाएगा, मजा कुछ और। आप लोग पीछे मेरा ड्रिप देखो, कितना बढ़िया 180 मारा, फिर से एक और बार ट्राई, इस बार हो जाए प्लीज। नहीं, पलट जाती यार, बहुत ऊंची कार है, एंड यही सेम चीज ऐसे फर्क के साथ भी होता है। और हाँ शाम को एक और वीडियो आने वाली है, उसमें मैं ट्यून दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे सारे कार्स वगैरह का ट्यून देख सकते हो, एंड ये चीज मैंने पहले ही बता दिया, और एक बार ट्राई करते हैं ना। मैं ये चीज नोटिस करो साला, इस कार के साथ ड्रिप क्यों नहीं हो रहा, फ्रंट व्हील ड्राइव है, मैं पक्का कह रहा हूँ फ्रंट व्हील ड्राइव है, क्योंकि देखो जब मैं हैंड ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ फिर भी ये कार आगे चार रही है, इसका मतलब पक्का ये कार ऑल व्हील ड्राइव है। सॉरी फ्रंट व्हील ड्राइव कहना चाहता था, चलो उसको छोड़ो। बट तुम यहाँ पे देखो, ये कार ना ऊपर जा ही नहीं पा रही, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये ऊपर जा पाए। लैम्बोर्गिनी जैसे सारे कार के नीचे से चली जाते हैं, वैसे ही मैं कुछ चाहता हूँ बट उसका उल्टा, ये कार सबके ऊपर से जाएगी, बट हो ही नहीं रहा। और क्या करूँ अभी, टायर वगैरह सब मैंने बाहर करके रखा है, और कितना बाहर करूँ, और ऊंचा तो होगा भी नहीं, यही लास्ट हो चाहिए भाई कार की, इससे ऊपर जाएगी भी नहीं यार। प्लीज कार स्ट्रीट वाला ऑफ रोड ट्यून दे दो यार, 4WD भी दे दो, 4x4 भी दे दो यार, प्लीज दे दो भाई, मजा आ जाएगा। तुम लोग बताते क्यों नहीं, पता नहीं, ये क्लान का भी फीचर बता सकते हो उन लोगों, माइक का फीचर बता सकते हो, बताओ भाई उनको बार बार बताओ, ताकि वो लोग ये चीज ऐड करे। एक बंदा बताएगा तो नहीं होगा भाई, तुम लोगों को बतानी पड़ेगी, एंड बहुत बार बतानी पड़ेगी। अभी आओ फिर से गेम प्ले में, लास्ट कुछ पल बिताते इस कार के साथ। ऊपर से जा भाई, ऊपर से जा, इतना ऊंचा किया तो इसीलिए ना, ताकि तू ऊपर से जा पाए, लेकिन जा ही नहीं पा रही है, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। ड्रिप वगैरह मारो तो पलट रही है, वैसे ये चीज मजेदार है मेरे हिसाब से। नहीं, सीधा हो जा, प्लीज सीधा हो गई, यहाँ से लगाएंगे छलांग भाई, कितनी ऊपर गई ये कार, और एक लगा सकते क्या? हाँ सामने से लगाएंगे, चलो यहाँ से नाइट्रो हल्का सा है भाई, ये भी सीधा हो जा, मस्त होगा। हो गया भाई, सीधा हो गया, पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि ऊपर जाने के बाद कार पूरी सीधी हो गई, वैसे इससे पहले वाला भी तो हुआ ना। हाँ यहाँ से ड्रिप पूरा 180 समंदर में। अरे यार ये फेंस वगैरह ने दिक्कत कर दी, मुझे लगा पूरा समंदर में चला जाऊंगा, बट नहीं हुआ। यहाँ पे और एक बार ट्राई करते हैं, बट ऊपर नहीं जा पाएगी ना, यहीं पे अटक जाएगी। हाँ यहीं पे अटक जाएगी। चलो गाइस अभी फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को भी लाइक करना। मैं आप लोगों को मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे ये जो चीज है ना, मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहिए, क्योंकि एंड तक ना कोई नहीं देखता भाई। और हाँ आप लोग और कौन से गेम का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर वीडियो लाऊंगा उसमें।